तो वृंदावन में बाकी बिहारी दर्शन के बाद आपको लोकल ट्रांसपोर्ट करना है जो कि 100 से 150 रुपये लेगा और आपको निधिवन उतार देगा। निधिवन आने के बाद यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल को यहीं पे उतार दीजिए। प्रसाद में यहाँ पे राधा रानी के श्रृंगार का सामान चढ़ता है, तो यहाँ से श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। तो 51 से शुरू हो जाता है, बाकी आपकी श्रद्धा जितना लेना चाहे। हम लोगों ने भी एक ले लिया है और इसके बाद हम लोगों ने कर लिया है गाइड टूर, जो कि हम लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाले हैं निधिवन के बारे में। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो दो पेड़ हैं एक साथ होते हैं, दोनों पेड़, वो दोनों पेड़ जो है कृष्ण है और एक उनकी गोपियाँ हैं। ये दिन में पेड़ होते हैं और रात में गोपियाँ बन जाते हैं। रात में दर्शन यहाँ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दिन ही में ही दर्शन किए जाते हैं निधिवन के। रात में घूमना यहाँ पे बिल्कुल वर्जित है, बंद कर दिया जाता है इस मंदिर को। तो शाम होने से पहले पहले आप यहाँ पे आ जाए और दर्शन कर लें। और आगे इसी मंदिर में जो है श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया जाता है। यहीं पे ही दतून चबा हुआ मिलता है, अगले दिन पानी पिया हुआ मिलता है, मिठाई खाया हुआ मिलता है। यहाँ पे जो है कृष्ण जी साथ में डांस करते थे, नाचते थे, रास करते थे अपनी गोपियों के साथ में, राधा के साथ में। ये कुछ सखियाँ हैं उनकी जिनकी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। और इस स्थान पे गोवर्धन जो पर्वत है उसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे रखा गया है मंदिर में। और साथ में जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, इसी पेड़ पे चढ़ करके कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी। और अब हम लोग आ चुके हैं कालीता। यहाँ पे कृष्ण जी ने, आप सभी को पता होगा कि जो यमुना नदी में जो कालिया नाग था उन्हीं के ऊपर बॉल लेने गए थे और डांस किया था उनके ऊपर चढ़ के। तो वो यहीं पे लीला की थी भगवान श्री कृष्ण ने। और ये रही यमुना नदी, इसी यमुना नदी में वो कालिया नाग रहता था जिसको भगवान ने हटाया था। और यही है चीरघाट, और यहीं पे आ सकते हैं आप लोग, दर्शन कीजिए यमुना नदी के। साइड में आप लोगों के खाने पीने की सारी व्यवस्थाएँ हैं, चाय पकौड़ी समोसा जो भी खाना हो आपको खाइए। रेट बहुत हाई है, थोड़े से महंगे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे नाव चलती है, बोटिंग, वो आपको पूरा टूर करा सकती है, वो साइड में लेकर के जाती है, घुमाती है, वापस ला करके आपको यहीं पे छोड़ देंगे। सो एवरीवन, नेक्स्ट ब्लॉग में अब हम आपको बताने वाले हैं बलराम मंदिर के बारे में, यानी कि इस्कॉन टेम्पल, जो कि अंग्रेज मंदिर भी कहते हैं इसे।